एक और विधायक पर केस दर्ज हो गया है। दिल्ली के उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। बालियान पर आरोप है कि उन्होंने एक इलाके के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष के साथ मारपीट की। हालांकि विधायक नरेश बालियान ने भी आरडब्ल्यूए अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है, यानी कि दोनों ही पक्षों की ओर से अब मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस दोनों पक्षों की ओर से अब मामले की जांच में जुट गई है। रजनीश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, संख्या बढ़ती जा रही है आम आदमी पार्टी से जुड़े विधायकों की, उनसे जुड़े और दूसरे लोगों की जिन पर मामले दर्ज हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब नरेश बालियान पर जान से मारने की धमकी और मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। बिल्कुल तान्या, जिस तरीके से पिछले दिनों देखा गया है कि आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत चाहे वो मोलेस्टेशन हो, रेप हो, धमकी हो, मारपीट हो, अलग अलग मामलों के तहत मामला दर्ज हो रहे हैं और इसी कड़ी में नरेश बालियान के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। कल उत्तम नगर में हेनरी जॉर्ज नाम के जो वाइस प्रेसिडेंट है आरडब्ल्यू के, वो अपने ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे, तभी बताया जा रहा है कि नरेश बालियान अपने एक और समर्थक महेंद्र फौजी के साथ उनके दफ्तर में पहुंचे और वहां पर दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर गहमा गहमी हो गई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि महेंद्र फौजी और नरेश बालियान ने हेनरी जॉर्ज के साथ मारपीट की। दोनों पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई, जिसके बाद मामला उत्तम नगर पुलिस स्टेशन तक पहुंचा और महेंद्र फौजी ने हेनरी जॉर्ज के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जबकि हेनरी जॉर्ज ने महेंद्र जो फौजी और नरेश बालियान के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज करवाया है। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के तमाम एमएलए जो अलग अलग मामलों में फंसते नजर आ रहे हैं, एफआईआर हो रही है, चाहे वो अमानतुल्ला खान हो, मनोज कुमार हो, नरेश बालियान हो या कोई और हो, तमाम जो एमएलए है वो इसी तरीके से आईपीसी की अलग अलग धाराओं में फंसते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, एक लंबी लिस्ट है और हम स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कौन कौन आम आदमी पार्टी के विधायक है जिन पर किस किस तरह के आरोप लगे हैं। इसी कड़ी में अब नरेश बालियान पर भी मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। धन्यवाद रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए।